यार एक बात याद रखना, सब वो लोग जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, डिफिकल्ट रोड से गुजर रहे हैं, टफ टाइम है उनके ऊपर, तो वो अपनी पोटेंशियल को समझने की कोशिश करें। हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, उसके अंदर एक पोटेंशियल रखा है। अब प्रॉब्लम यह है कि कहीं लोग जो सक्सेस है ना, कामयाब हुए हैं, वो अपनी पोटेंशियल को, अपने स्किल्स को, अपने अंदर को वो पहचान गए हैं, वो फिर एक्सप्लोर कर जाते हैं आगे। तो जिस भी करंट सिचुएशन में आप हैं, जिस भी टफ सिचुएशन में हैं, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, अपना आप को उस पोजीशन पे ना समझें। अपने अंदर वाली जो पोजीशन है ना, आपके अंदर जो एक स्पार्क है, उसको शाइन करें, और उसको शाइन करने के लिए एक तो उसको एजुकेशन से कनेक्ट करें, और फिर अपने स्किल्स को इन्हांस करें। मेहनत तो करना है, अगर आप सिर्फ एक्सक्यूज़ करते रहेंगे तो फिर ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, फिर आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस टफ टाइम से आप गुजर रहे हैं, तो फिर आप उसी के लिए पैदा हुए हैं, राइट? क्योंकि आपकी सोच की लिमिटेशंस, आपकी थिंकिंग, आपकी जो नज़रिया है, वो ही आपको बड़ा और छोटा कर देता है। इसलिए दूसरों की तरक्की में आप खुश रहें, आपकी तरक्की भी हो जाएगी। बी हैप्पी, दूसरों को खुश देखें, तो अल्टीमेटली आपकी खुशी में इजाफा होगा। सो गाइस, ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ, और आप कुछ भी बन सकते हैं भाई, कुछ भी बन सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करें, उसको इन्हेंस करें, उसको रगड़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, और बी ए प्राउड ऑफ योर सेल्फ।